पालिका की ओर से दिव्यांगों के लिए चलाई जाने वाली विविध कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत 34 दिव्यांगों को 23,75,000 रुपए के धनादेश का वितरण किया गया। 25 लाभार्थियों को प्रति 95,000 रुपए व्यक्तिगत तथा सामूहिक वित्तीय सहायता योजना अंतर्गत एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र 9 लाभार्थियों को प्रति 50,000 रुपए के धनादेश दिए गए। महापौर दयाशंकर तिवारी के हस्ते धनादेश का वितरण किया गया। इस अवसर पर उप महापौर मनीषा धावड़े, विरोधी पक्ष नेता तानाजी वनवे, महिला व बाल कल्याण समिति सभापति दिव्या धुर्डे, उपायुक्त रविंद्र भिलावे, समाज विकास अधिकारी दिनकर उमरेडकर आदि उपस्थित थे। आज हमारे सभी दिव्यांग बंधुओं के लिए महानगर पालिका के माध्यम से जो निर्धारित कार्यक्रम किया गया है, इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित मेरी सहयोगी उप महापौर मनीषा ताई, महिला बाल कल्याण समिति की अध्यक्षा दिव्याताई, विरोधी पक्ष नेता तानाजी वनवे, पूर्व स्थायी समिति अध्यक्ष संदीप जाधव जी, पूर्व महापौर सुनील अग्रवाल जी, जिनके नेतृत्व और सहयोग में हम सभी दिव्यांग की योजनाओं को लागू करते हैं, ऐसे मेरे छोटे भाई दिनेश यादव जी, महानगर पालिका के उपायुक्त भावी जी, इस समाज कल्याण विभाग के प्रमुख उमरेडकर जी, उपस्थित सभी दिव्यांग भाइयों और बहनों, दिव्यांग बंधुओं के लिए महानगर पालिका ने अपने बजट में 7.5 करोड़ रुपए का प्रायोजन किया है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ अभिषेक पांसे, BCN न्यूज नागपुर।